हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल टेक एंड डिजिटल सागर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल हैक कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति आपका भाई हो, बहन हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपकी जो कोई हो। आप उसका मोबाइल बहुत ही आसान तरीके से हैक कर सकते हैं। उसके मोबाइल के आप सारे SMS पढ़ सकते हैं, उसके कॉल डिटेल देख सकते हैं, वो व्यक्ति भी कहाँ पे है और आज पूरे दिन में कहाँ कहाँ गया है, इस सारी डिटेल आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। उसके व्हाट्सअप हैक करना, उसके फेसबुक हैक करना बहुत ही आसान तरीके से आप हैक कर सकते हैं। इसको हैक करने के लिए बस आपको छोटा सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, तो जिसके लिए आप घबराइए नहीं। बस थोड़ी सी ही आसान तरीके से आप किसी के ही मोबाइल हैक कर सकते हैं। हैक करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले बस मैं यही चाहूँगा कि आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा जितना जो भी हमारे किसी प्रकार की अगर हम इसमें कुछ भी डालते हैं तो आप तक बहुत ही आसान तरीके से पहुंच जाए। तो देखते रहिए, जैसे कि हम किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल हैक करना चाहते हैं, तो अगर दूसरे व्यक्ति का मोबाइल हैक करना चाहते हैं तो हम हैक करने के लिए पहले उस व्यक्ति का मोबाइल कम से कम 2 मिनट के लिए अपने हाथ में लेना है और हाथ में लेके सिंपल से एक स्टेप फॉलो करना है। जैसे देखिए, मैं अपने मोबाइल पे आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये मेरा मोबाइल है जिसमें एक बजरंगबली का तस्वीर दिख रहा है आपको। बस ये मोबाइल मेरे दूसरे हाथ में रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो हाथ में रखा हुआ हूँ, पहले इस मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपना कोई ब्राउज़र एक ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैं क्रोम है, UC ब्राउज़र है, तो UC ब्राउज़र ही ओपन कर लेता हूँ। ये अपना UC ब्राउज़र ओपन कर लिया। UC ब्राउज़र ओपन करने के बाद एक सिंपल सा एक एप्स इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके मोबाइल में। तो एप्स इंस्टॉल करने के लिए सिंपल से सर्च बार में सर्च करते हैं। सर्च में लिखेंगे एंड्रॉइड ANDROID, एंड्रॉइड THE द ट्रूथ ट्रूथ द ट्रूथ स्पाई SPY .com। बस यही लिखना है आपको और सर्च करना है। एक बार और देख लीजिए, इसकी इस लिखा हुआ है, एक बार और देख लीजिए इसको। एक मिनट आपको दिखा देते हैं, ये एंड्रॉइड ट्रूथ स्पाई .com जिसको हमारी आगे दिख ही रहा है। ये देखिए AndroidSpy.com आ गया। इसका ये जो पहला वाला हिस्सा है, ये देखिए इंस्टॉल AndroidSpy इंस्टॉल डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिया है, उसी को क्लिक करना है आपको एक बार। ये देखिए, क्लिक करते ही एक डाउनलोड द ट्रूथ स्पाई वर्जन 7.3 का एक लिखा हुआ आया है। जस्ट उसके नीचे एक ब्लैक कलर में एक बॉक्स दिया हुआ, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पे ये एक क्या बोलते हैं छोटा सा बॉक्स है, उसी पे आपको एक क्लिक करना है। क्लिक किए, यस हो गया। यस होने के बाद हमको सीधा इसमें जाना है, डाउनलोड द ट्रूथ स्पाई, डाउनलोड द ट्रूथ स्पाई को हमें क्लिक कर देना है ताकि वो डाउनलोड हो जाए। ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, यूसी ब्राउजर इसलिए ऐसा ऑप्शन आ रहा है। ये हो गया डाउनलोड, और डाउनलोड में आके इसको एक बार डाउनलोड कर देते हैं। देखिए डाउनलोड होगा हमारे ऊपर स्क्रीन पे, ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। ऊपर स्क्रीन को दिखाता हूँ आपको, डाउनलोड हो रहा है, ये देखिए। ये देखिए डाउनलोड सक्सेसफुल। बहुत ही छोटा MB, बहुत छोटा ही एप्स है, इसलिए बहुत आसान तरीके से ये डाउनलोड हो जाता है। ये देखिए डाउनलोड हो गया, उसको हम ओपन कर लेते हैं एक बार। उसी एप्स को ओपन करने के बाद यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर से नेक्स्ट करते हैं और इसको इंस्टॉल कर देते हैं। देखिए क्या नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, सिस्टम सर्विस। इस एप्स का नाम है सिस्टम सर्विस, जिसके आपको सिस्टम की जो भी जितना भी हर कुछ दिखाने वाला है सिस्टम का। आपको सिस्टम में जो कुछ भी हो बहुत ही आसान तरीके हो भी, बस इसको इंस्टॉल कर देना है, हाइड कर देना है, फिर भूल जाना है, फिर कोई मतलब नहीं। फिर बाद में हमको फिर जब तक चाहें उसको मोबाइल आप हैक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, एक छोटा सा एप्स डाल दिए।
ये देखिए आपका सिस्टम सर्विस इंस्टॉल हो गया। अब सिस्टम सर्विस इंस्टॉल हो गया तो यहीं से आप उसको ओपन कर लीजिए। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए आपका ये द ट्रूथ स्पाई ओपन हो रहा है। द ट्रूथ स्पाई ओपन होगा, जैसे ही ओपन होगा हम आगे प्रोसेस वही करना है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा लोडिंग ले रहा है ना, लोडिंग एंड कॉन्फ़िगर ये चेक कर रहा है, ठीक है कि मोबाइल रूट है या नहीं है। रूटेड बोलते हैं, रूट मोबाइल करते हैं, वैसे ही मोबाइल रूट नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका डिवाइस एडमिन के द्वारा ही लॉक किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट पे क्लिक किया इस यहाँ पे, ये यह हमारा द ट्रूथ स्पाई एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी पहले से दिया रखा हुआ है, इसलिए पहले से दे रहा है, वरना अगर किसी का मोबाइल है जिसका हैक किए हैं उसका यहाँ पे नहीं दिखाएगा। लेकिन अभी इसमें दिखा रहा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा समझने की बात नहीं है, बस इसमें दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए एक मिनट, ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम सीधा कॉन्फ़िगर में जाना है, कॉन्फ़िगर में जाके कॉन्फ़िगर कर देना है इसको। ये हुआ कॉन्फ़िगर। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, यहाँ भी अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के लिए बोलेगा वो, जो भी ईमेल आईडी आप डालना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी पहले ही डाला हुआ है, इसलिए नहीं बोला उस पर। और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन दे रहा है, वो है अनइंस्टॉल करने का। और यहाँ पे देख क्या दिया है, हाइड आइकॉन द ट्रू स्पाई। ये जो ऑप्शन है सबसे बहुत बढ़िया है, ताकि आप किसी का भी मोबाइल हैक कर सकते हैं, ताकि वो आपके मोबाइल में वो एप्स डाउनलोड है या नहीं है वो कभी भी नहीं जान पाएगा कि उसके मोबाइल में एक कोई ऐप्स आपके डाउनलोड किया गया है। ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, जिसको आप क्लिक कर देते हैं, हाइड कर दिए इसको। देखिए हाइड करने के बाद यहाँ पे एक कोड जनरेट कर रहा है, एक नंबर जनरेट कर रहा है। देखिए इसमें नंबर में लिखा हुआ है हैज़ 2013 स्टार। ये जो नंबर दिया हुआ है यही आपका कोडिंग नंबर है। डायल पैड में जाना है और जाके यही नंबर आपको टाइप करना है, 2013 स्टार। जैसे ही आप ये नंबर डायल करेंगे और फिर कॉल करना है, कॉल करते ही आपका ये एप्स ओपन होगा दोबारा। तो इसमें फिर यस कर देते हैं। ये देखिए आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया, मोबाइल का काम, मोबाइल ने जो भी काम करना था आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी सीधा बाहर आ जाते हैं हम इसको, ये देखिए पूरा बाहर आ जाते हैं, इसमें पूरा बाहर आ गए। ये देखिए पूरा बाहर आ गए, ठीक है। अब मान लीजिए आप दूसरे व्यक्ति के मोबाइल आप देखना चाहते हैं, उसके मोबाइल में क्या है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम किस में जाते हैं, लैपटॉप में जाएं या किसी में जा सकते हैं। मान लीजिए हम अपने लैपटॉप में जाते हैं, मोबाइल में जाते हैं, कंप्यूटर में, कहीं कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए चलिए हम चलते हैं अपना लैपटॉप में, ठीक है, इसको हाइड कर देते हैं। अब चलते हैं अपने लैपटॉप में कि हम दूसरे व्यक्ति का लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं ना। तब चलिए हम लैपटॉप में चलते हैं अपना, ये ओपन करते हैं ताकि उसका मोबाइल में क्या क्या हो रहा है सब कुछ देख सकते हैं। लैपटॉप हो या मोबाइल हो, किसी के मोबाइल में भी हैक कर सकते हैं, उसको मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं कि क्या कर रहा है ऐसे बोल के। लेकिन हम मोबाइल में नहीं, तो हम लैपटॉप में ही, पीसी में ही अपना चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या करना है। एक मिनट, ओपन करते हैं अपना यूसी ब्राउज़र और ये देखिए मेरा फायरफॉक्स ओपन हो गया। सेम प्रोसेस इसमें भी दोहराना है जो प्रोसेस वहाँ पे दोहराया था, जिससे कि स्टार्टिंग में हम एक ब्राउज़र ओपन किए थे, इसमें एक ब्राउज़र ओपन किए। ओपन करने के बाद अब सेम प्रोसेसिंग में इस यहाँ पे भी वही, आपको पहले एक सर्च मारना है। सर्च करने के लिए सेम प्रोसेस वही इसमें भी है, आपको सेम इसमें भी लिखना है एंड्रॉयड। एक मिनट ओपन होने दीजिए। ये यहाँ पर लिखेंगे एंड, एक मिनट, नॉट नाउ एंड, एक मिनट कनेक्शन हो रहा है, वेट कीजिए थोड़ा सा। एंड्रॉइड डी, एक मिनट, एंड्रॉइड
आपको किसी प्रकार के परेशानी ना हो, इसलिए आपको बहुत आसान तरीके से सिंपली बताया जा रहा है, हम धीरे धीरे स्लो, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें कि बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। अब इसमें देखिए हम इसको इंटर कर देते हैं, वही सेम लिख दी एंड्रॉयड द ट्रूथ स्पाई। और यहाँ पे इसमें हम जाना है आपको लॉगिन में, क्योंकि हम एक आईडी डाल चुके हैं तो यहाँ पे हमें लॉगिन करना है। या फिर लॉगिन नहीं करना है तो हम वही ऑप्शन फिर अपना सकते हैं, ये वाला ऑप्शन जो ऑप्शन पहले हम अपनाए थे, पहला वाला ऑप्शन जिसके दिया हुआ यहाँ पे एंड्रॉयड स्पाई डाउनलोड वगैरह में, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। लेकिन पहले चलिए इसी में चलते हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉल माई मोबाइल स्पाई में जाते हैं और जाके फिर वही प्रोसेसिंग, इस बार लेकिन कुछ अलग प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग इस बार डाउनलोड नहीं करना है इस, यहाँ पे देखिए वही डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इस बार इसमें डाउनलोड नहीं करना है, सीधा हमको यहाँ पे नीचे चले जाना है, जितना नीचे जा सकते हैं, नीचे 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 सीधा में नीचे आना है। ये देखते हैं कितना नीचे तक आ सकता है, ये पूरा नीचे चले जाएंगे, ये देखिए पूरा नीचे आ गए। नीचे आने पर ये देखिए हमारा फीचर सही सब कुछ दिया हुआ है यहाँ का फीचर, कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं, वही फीचर पे हमें जाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बिएंट लिस्टनिंग, ये ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए और क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, टेक्स्ट मैसेज जिसको मैसेज पढ़ सकते हैं, रिकॉर्ड कॉल उसकी कॉल रिकॉर्ड भी पढ़ सकते हैं, कॉल रिकॉर्ड मैं सुन सकते हैं उसका, उसका दिया व्हाट्सअप, व्हाट्सअप भी देख सकते हैं उसका, एसएमएस, एसएमएस भी उसका ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एम्बिएंट लिस्टनिंग पे क्लिक करते हैं हम, यहाँ पे सिंपली क्लिक करने के बाद देखिए प्रोसेसिंग हो गया, ओपन हो रहा है एम्बिएंट, ये हुआ ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम लॉगिन वहीं पे भी कर सकते थे, लेकिन आप सिंपली समझने के लिए अब यहाँ पे लॉगिन पेज आ गया। अब यहाँ पे हम इस तरह लॉगिन करते हैं, यहाँ पे जो वहाँ पे नम जो ईमेल आईडी डाले थे वही ईमेल आईडी अब यहाँ पे भी डालते हैं। चलिए जैसे कि मेरा ईमेल आईडी है ये डाला था वहाँ पे, ये देखिए मेरा ईमेल आईडी, ये रहा मेरी ईमेल आईडी वहाँ का, और ये मेरा पासवर्ड वहाँ को यहाँ पे लॉगिन कर दिया, इसको ये लॉगिन कर दिया। ये देखिए जो ईमेल आईडी वहाँ पे डाला था वो उसका सारा डिटेल यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए। अब हम यहाँ पे तीन चरणों में यहाँ पे दिया हुआ है, पहला है स्टैंडर्ड, दूसरा है प्रीमियम, तीसरा है गोल्ड। गोल्ड जैसे कि एक इसको खरीदना पड़ता है, और इसको जो फ्री में आता है वो देखिए क्या क्या फ्री में से है हमारे, उसका एसएमएस पढ़ सकते हैं, उसका जीपीएस हिस्ट्री देख सकते हैं, उसका कॉल हिस्ट्री देख सकते हैं, ऑटो आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब एसएमएस उसकी मोबाइल में क्या क्या एसएमएस है हम ये सब कुछ देख सकते हैं। चलिए एसएमएस पहले देखते हैं उसका कि क्या क्या है हमारे पास, उसकी मोबाइल में एसएमएस क्या क्या है अभी, ये ओपन हो गया, ठीक है। ये ओपन हुआ तो यहाँ पे देखिए उसका एसएमएस पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको सीधा बोर्ड में जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे परचेस करने वाला ऑप्शन है, क्योंकि मैं पहले भी इसको यूज कर चुका हूँ बहुत बार इसलिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे उसका जीपीएस ट्रैक कर सकते हैं, कॉल हिस्ट्री किसको कॉल किया, कितना बार कॉल किया, सब कुछ देख सकते हैं यहाँ से। और उसके देखिए व्हाट्सअप वगैरह हैक करने के देखने के लिए कि उसकी व्हाट्सअप फेसबुक सब कुछ देखिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए प्रीमियम में ऑप्शन दिया हुआ है किस कहाँ पे कौन से नेटवर्क पे वो सर्च किया है, कौन से ब्राउजर यूज किया है, यू आर एल हिस्ट्री, यू आर एल हिस्ट्री मेरे की मतलब के किस ब्राउजर द्वारा क्या क्या वो उसने ओपन किया है वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा आपको। उसके कॉल हिस्ट्री वो किसको कॉल किया वो सब देख सकते हैं, उसके मोबाइल में कौन कौन सा फोटो वगैरह है इंस्टॉल उसको आप देख सकते हैं, कौन से वेब यूसेज मतलब यूज किया है उसका हिस्ट्री देख सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग इसके कॉल के कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हर एक कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जितना भी उसमें कॉल है सबको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके व्हाट्सअप, व्हाट्सअप में किसको किसको मैसेज कर रहा है, किसको मैसेज आ रहा है, किसको मैसेज जा रहा है, हर चीज़ बिना उसके मोबाइल नंबर जाने भी आप उसको कर सकते हैं। आसान तरीका है ना, बहुत ही आसान तरीका, वो भी बिना रूट किए। अब यहाँ पे याद है नीड रूट द एंड्रॉयड डिवाइस,
अगर डिवाइस रूट कर रहे हो। अब यहाँ पर आता है आपका, देखिए नीचे पे यहाँ पे आ रहा है फेसबुक हिस्ट्री, उसने फेसबुक में किसको हैक, किसको एसएमएस किया है, नहीं किया, सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे वाइपर भी हिस्टोरी भी दिया है, वाइपर आजकल यूज नहीं करते, वाइपर सब कुछ देखे। स्पाई स्काइप, स्काइप का भी दिया हिस्टोरी, जो कुछ स्काइप का यूज करते हैं उसका, ऑनलाइन का दिया हिस्टोरी यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, याहू का मैसेंजर दिया है, सब कुछ दिया। देखिए वॉइस मेमो, अगर कोई वॉइस मेमो अगर भेजता है उसको, वो भी उसकी वीडियो हिस्टोरी दिया है, नोट हिस्टोरी, उसने किसको, क्योंकि मतलब नोट में लिखते हैं ना, कुछ भी लिख के रखते हैं, कुछ लिख के रख दिया है, वो सब कुछ देख सकते हैं उसका। देखिए एम्बियंट, जो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग एम्बियंस, कुछ भी बात कर रहा है वहाँ पे, तो उसका भी यहाँ तक के उसका सब कुछ रिकॉर्ड करके हम रख सकते हैं। ये गोल्ड में आता है, इसको परचेस करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, लेकिन हमारे फ्री में ये एक सारे ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि कॉल हिस्टोरी, एसएमएस हिस्टोरी, एसएमएस वगैरह, और जीपीएस, वो व्यक्ति कहाँ पे है वो देखने के लिए, बस ये सब आपको दिया रहता है। तो देखिए यू फ्रेंड्स, ये सब अब यूज करेंगे, बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही अच्छी है, इसको अब यूज कीजिए। मुझको ये बहुत ही अच्छा लगा, एप्स जितना अच्छा लगा मुझको, और मेरी इस एप्लीकेशन को, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बस यही बोलना चाहते थे। थैंक यू, बाय।